बैंक्रप्सी के लिए 38 और एनपीए अकाउंट्स के नाम जारी करेगा आरबीआई। कल 12 खातों की हुई थी पहचान, 50 एनपीए खाते, कुल एनपीए का 70%। सरकारी बैंकों के मर्जर प्लान पर आगे बढ़ी सरकार, 4 बड़े सरकारी बैंक, 6 छोटे बैंकों का मर्जर के लिए हुआ चयन। बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक में एक छोटे सरकारी बैंक का होगा मर्जर। विजया सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक का किसी बैंक के साथ होगा मर्जर। किसानों के लिए जारी रहेगी सस्ते लोन की स्कीम। सरकार ने कृषि लोन के लिए आवंटन बढ़ाकर किया 20,000 करोड़। एक साल के लिए 3 लाख तक का लोन मिलेगा 4% पर। टेलीकॉम सेक्टर के बढ़ते एनपीए पर आईएमजी की बैठक। बैंकों ने टेलीकॉम सेक्टर के बढ़ते एनपीए पर जताई चिंता। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने दिया प्रेजेंटेशन। आईएमजी ने बैंकों से मांगा एक्शन प्लान। आखिरी घंटों में निचले स्तर से बाजार में रिकवरी। सेंसेक्स 52, निफ्टी 11 अंक चढ़कर बंद। मिड कैप, पीएसयू बैंक, रियल्टी, कैपिटल गुड शेयरों में तेजी। मेटल, एफएमसीजी शेयर टूटे। फेड आज बढ़ा सकता है ब्याज दरें। एफओएमसी बैठक में हो सकता है फैसला। दरों में 1/4% की बढ़ोतरी संभव। मार्च में फेड ने दरें बढ़ाई थी। रिटेल के बाद थोक महंगाई दर में भी राहत। मई में थोक महंगाई दर घटकर 2.17% हुई। रिटेल महंगाई 2.18%। बदले का थर्ड, एसी का सफर, ज्यादा सुविधाजनक होंगे कोच। एलईडी डिस्प्ले, जीपीएस से लैस होंगे नए कोच। सबसे पहले हम सफर ट्रेन से होगी शुरुआत। नोकिया के बाद अब सैमसंग ने लॉन्च किए 2 नए स्मार्टफोन। सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स, सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो, कीमत 17,999 और 20,900 रुपए। लंदन में 27 मंजिला इमारत में भीषण आग, 120 फ्लैट जलकर खाक, कई लोगों की मौत होने की आशंका।